बाहर पुलिस आई है। क्या पुलिस? क्या हुआ वसीम, पुलिस क्यों आई है? सामने शेख साहब रहते हैं, उनका ड्राइवर जो चोरी करके भाग गया, इसी सिलसिले में पुलिस पूछताछ करने आई थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, वरना मैं तो घबरा ही गई थी। अरे मेरी तो अपनी जान हलक में आ गई थी, वो बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते। हाँ भाई, दौर तो पैसे वालों का ही है, पैसे वाले तो कुछ भी कर सकते। हम ठहरे गरीब लोग, हमारे घर के दरवाजे तो लोग तोड़ के घुस जाएंगे। वसीम साहब, आप प्लीज वादा करें कि मेरे बच्चों पर कोई आंच नहीं आने देंगे। बच्चों जैसी बातें मत करो, मैं अभी जिंदा हूं, तो खानदान की हिफाजत के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता हूं। और वैसे भी हम ऐसा वक्त क्यों आने देंगे कि हमें थाने कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। वसीम साहब, मैं तो कहती हूँ लोहा गरम है, ये वक्त बहुत अच्छा है, मैं निकाह की तारीख मांग लेती हूँ। पता नहीं कितनी हजार औरतें मरी होंगी तब जाके आपकी अम्मी पैदा हो जाती है। मैं तो हमेशा टीवी पे ड्रामे में देखा था साजिशी सासों के बारे में, भला ऐसे भी कोई हो सकता है? तौबा तौबा, अब खुद पर बीती तो लग पता गया मुझे। देखो डॉक्टर ने तुम्हें गुस्सा करने, परेशान होने और स्ट्रेस लेने से मना किया है। मेरे अंदर कोई बटन थोड़ी है कि जब चाहा टेंशन ले ली, जब चाहा टेंशन नहीं ली। देखो लुकना, तुम्हें बाकियों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें फिक्र करनी है तो सामने भाभी की करो, उन्हें फिलहाल सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। मैं जब भी इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे अरसलान भाई और अम्मी का ख्याल आने और उस पर मुझे बहुत गुस्सा आता। मम्मी और पापा के लिए तो इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ अरसलान भाई और फरिया की शादी है। देखो लुबना, मेरा मशवरा है, अपने घर जाओ और अपने घर वालों को सब कुछ बता दो। जहां तक मम्मी पापा को मैं जानता हूँ, वो ये सब कुछ करके रहेंगे, और जहां तक मम्मी और पापा को मैं जानता हूँ, वो फरिया और भाई की शादी करवा के रहेंगे।